जी, बायरोनिक अनहैप्पीनेस की अगर बात की जाए ना, तो बायरोनिक लॉर्ड बायरन है, ये उनका राइटिंग स्टाइल भी कहलाता है। लेकिन बायरोनिक को हम इस तरह से भी कहते हैं कि ये किसी, जब कोई शख्स कोई एक अजीब सा बिहेवियर अपना लेता है ना, उसको भी हम बायरोनिक कहते हैं। तो बायरोनिक को हम सैडनेस से भी रिजेंबल करते हैं। अच्छा, अब इसकी जो हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें सबसे पहले तो हम ये वजूहात पढ़ रहे हैं कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं आपको नाखुश नजर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने वो यही पढ़ा था कि व्हाट मेक्स पीपल अनहैप्पी, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग नाखुश हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और कैटेगरी पढ़ने लगे हैं जिसमें बायरोनिक अनहैप्पीनेस का जिक्र किया गया है कि हम में से ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि इस चीज में फख्र महसूस करते हैं कि जो वो उदास रहते हैं वो भी उनके लिए फख्र का बायस है। इसकी वजूहत ये भी हो सकती है कि वो जिंदगी की हकीकत जान गए हैं। तो इस स्टोरी का जो मैंने ये इस चैप्टर का जो पिथन मैरो निकाला वो यही है कि जब जिंदगी की हकीकत आप पे आया हो जाती है ना, तो आप संजीदगी की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। ऐसा होता है कि जैसे आपने विजडम अख्तियार कर लिया, आपको पता चल गया कि इस कुदरत का कानून क्या है और आखिर में हमारी डेस्टिनी क्या होनी है। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ में एक डेली रूटीन का मैटर बन चुका है कि हम में से अक्सर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी का जो हिस्सा है वो पूरे जोश और जज्बे के साथ गुजार दी है। ठीक है, तो वो अब ये कहते हैं कि अब जिंदगी में ऐसा कुछ रह नहीं गया कि जिसके लिए हम जिए। ठीक है, ये लाइन इसके लिए यूज हुई है, टू सपोज दैट दोस अमंग अस हु आर वाइज हैव सीन थ्रू ऑल द एंथुसिएज्म ऑफ अर्लियर टाइम्स एंड हैव बिकम अवेयर दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट टू लिव फॉर। ठीक है, द मैन हु होल्ड दिस व्यू आर जेनरली अनहैप्पी। अब उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जिनका ये ख्याल है ना कि भाई जिंदगी की रंगीनियां तो वो देख चुके हैं और जिंदगी में अब कुछ बाकी रहा नहीं जिसके लिए वो जिए, तो ये हकीकतन क्या बात है। ये व्यू जो फिर उनके बारे में हम यही कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग हैं जो कि नाखुश हैं अपनी जिंदगी से। बट दे आर प्राउड ऑफ देयर अनहैप्पीनेस, लेकिन वो अपनी इस मायूसी की हालत में बहुत फख्र महसूस करते हैं। विच दे एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड कंसिडर टू बी द ओनली रैशनल एटीट्यूड फॉर एन एनलाइटेंड मैन। और वो लेकिन इसकी जो वजूहत वो ये देते हैं कि ये कुदरत का निजाम ही कुछ इस तरह से है, और ये एक ऐसा अकलमंदाना रवैया है जो कि अकल रखने वाले बंदे के लिए लाजमी समझा जाता है। ठीक है, एनलाइटेंड मैन ये है कि जिसपे हकीकत आया होगी, उसने विजडम पा ली हो। देयर प्राइड इन देयर अनहैप्पीनेस मेक लेस सोफिस्टिकेटेड पीपल सस्पिशियस ऑफ इट्स जेन्युइननेस। अब उनका ये जो फखर है ना अपनी मायूसी की हालत के हवाले से, ये जो कम अकल लोग हैं ना वो हमेशा इसकी हकीकत के हवाले से शक का शिकार रहते हैं। दे थिंक दैट द मैन हु एंजॉयज बीइंग मिजरेबल इज नॉट मिजरेबल। अब उनका ये ख्याल है कि जो लोग इसमें खुशी महसूस करते हैं अपनी दर्दनाक या बुरी हालत के हवाले से भी उसको भी इंजॉय करते हैं, तो वो कहते हैं ये कोई मायूसकुन बात नहीं है, ये कोई तबाहकारी या उनकी बदहाली के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दिस व्यू इज टू सिंपल। अनडाउटली देर इज सम स्लाइट कंपनसेशन इन द फीलिंग ऑफ सुपेरियोरिटी एंड इनसाइट विच दीज सफरर्स हैव, बट इट इज नॉट सफिशियंट टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ सिंपलर प्लेजर। अच्छा, ये जो नजरिए बहुत ही सादा है। ठीक है, अब बगैर शक के ये जो इनको ये जो तकवीत दे रही है ना इनके इस एहसास को, वो उनका सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी है, वो अपने आप को कमतर नहीं समझते। ठीक है, और ये जो अदराक पा गए हैं ना, ये जो इस मुश्किल का शिकार है, तो ये उनके लिए वहां पर नाकाफी समझा जाता है जब एक सादी सी कोई खुशी का कोई नुकसान उठाना उन्हें पड़ जाता है, तो वहां पर उस लॉस को कवर अप नहीं किया जाता। ठीक है, आई डू नॉट माई सेल्फ थिंक दैट देयर इज एनी सुपीरियर रैशनैलिटी इन बींग अनहैप्पी। अब रसल साहब कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये कोई अकलमंदाना आप ये बात नहीं है कि आप नाखुश में अब ये समझें कि आप पता नहीं बहुत ही अफजल आला हैं, ये उनकी समझ से ये बाहर है। द वाइस मैन विल बी एज हैप्पी एज सर्कमस्टांसिस परमिट एंड इफ ही फाइंड्स द कंटेम्पलेशन ऑफ द यूनिवर्स पेनफुल बियॉन्ड अ पॉइंट ही विल कंटेम्पलेट समथिंग एल्स इंस्टेड। कहते हैं एक जो अकल रखने वाला बंदा है ना,
वो जितनी उसे इजाजत मिलेगी अपने हालात वाकियात के मुताबिक वो खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कुदरत का जो कुदरत के हवाले से सोचना है, एक जो दर्द है कुदरत के हवाले से, उसकी जो हकीकत है, एक हद के बाद ना वो फिर किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वट आई विश टू प्रूव इन द प्रेजेंट चैप्टर। तो यही बात है जो मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि इस मौजूदा सबक में इसको साबित कर दूँ। आई विश टू परसुएड द रीडर दैट वट एवर द आर्ग्यूमेंट्स मे बी, रीजन लेस नो एम्बार्गो अपॉन हैप्पीनेस। नई मोर आई एम परसुएटेड दैट दोज हु क्वाइट सिंसियरली एट्रीब्यूट देयर सोरोज टू देयर व्यूज अबाउट द यूनिवर्स आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब वो कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जो पढ़ने वाले हैं हजरात हैं, अब इसमें ये बात को समझें, आर्ग्यूमेंट्स करें, बहस करें कि कोई ऐसी रुकावट नहीं है आपकी, मतलब कि कोई ऐसी वजूहात नहीं है जो आपकी खुशी में रुकावट का बायस बन रही है, ठीक है। वो मतलब कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ये कि जो ये ख्याल रखते हैं ना कि भाई अपनी मुसीबतों के हवाले से, परेशानियों के हवाले से, तो वो इसी तरह से कि जैसे कि आपने मतलब हर चीज का निजाम जो है आपने उलट कर दिया। द ट्रूथ इज डैट दे आर अनहैप्पी फॉर सम रीजन ऑफ विच दे आर नॉट अवेयर। उनकी ये नाखुश होने की जो वजूहात है ना, वो कुछ और है जिसके हवाले से वो आगाह नहीं है। एंड दिस अनहैप्पीनेस लीड्स देम टू डिवेलप ऑन, डिवेलप ऑन का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, लीड्स देम टू डिवेलप ऑन द लेस एग्रीएबल करेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव। अच्छा, अब उनकी जो नाखुशी की कैफियत है ना, जो वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके हवाले से वो मुत्तफिक नहीं है या मुतमिन नहीं होना चाहते, तो फिर ये है कि ये जो उनकी नाखुशी की हालत है ना, वो उन्हें फिर सोचने पे मजबूर कर देती है उन चीजों के हवाले से जो कि जिसपे मुतमिन नहीं हुआ जा सकता, ठीक है। हाँ जी मोमिना, और कुछ सी आपको समझ आ रही है? हाँ फॉर जी, हाँ जी, मॉडर्न अमेरिकन जी, हाँ जी, हाँ जी, फॉर आर मॉडर्न रीजन, अमेरिकन द पॉइंट ऑफ आर व्यू रीजन, जी, ठीक है। For modern Americans, the point of view that I wish to consider has been set forth by Mr. Joseph Woodcrutch in a book called The Modern Temper. For our grandfather's generation, it was set forth by Byron. For all time, it was set forth by the writer of Ecclesiastes. Mr. Crutch says, ours is a lost cause and there is no place for us in the natural universe, but we are not but all that sorry to be human. We should rather die as men than live as animal, Byron says. अच्छा, अब इसमें ये कहा गया है कि जदीद अमरीकियों का जो नजरिया इस हवाले से, अब जिसके हवाले से मैं सोच विचार करना चाहता हूँ कि मैं उसको यहाँ पर मतलब कि मैं मुनासिब समझता हूँ कि इसका यहाँ पर जिक्र करूँ, तो ये नजरिया मिस्टर जोसेफ ने भी पेश किया अपनी मॉडर्न टेम्पर की किताब में, बायरन ने भी पेश किया अपनी फॉर आवर ग्रैंडफादर्स जनरेशन में, और एक्लेसियस्ट के जो राइटर हैं उन्होंने भी इस नजरिए को पेश किया है। अब मिस्टर क्रच यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा है ना, एक वजूहात है, एक जो वजह है वो खो गई है, और हमारी इस कुदरत में ना हमारे लिए कोई जगह नहीं है, एंड वी आर नॉट सॉरी टू बी, और कहते हैं लेकिन हमें अफसोस नहीं है कि हम इंसान हैं। कहते हैं कि जो असल हमारी वजह है ना, वो एक खो चुकी है, लेकिन वे कहते हैं कि इस कुदरत में ना हमारी कोई जगह नहीं है। मतलब वो जब ये कहते हैं ना कि जब आप या तो सेटिस्फाई हो गई या आपको आप गिव अप कर देते हो, तो आपको हर चीज बेमायनी लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस चीज को प्रेफर करते हैं, तरजीह करते हैं कि हम इंसानों की तरह रहे बजाय इसके कि हम जानवर बन जाएं, ठीक है। बायरन सेज देयर इज नॉट अ जॉय द वर्ल्ड कैन गिव लाइक दैट इट टेक्स अवे व्हेन द ग्लो ऑफ अर्ली थॉट डिक्लाइंस इन फीलिंग्स डल डिके। कहते हैं क्या खुशी है इस दुनिया में,